इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट गर्डर के बारे में। एक सिंगल वीडियो में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो कि आगे किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर प्लेट गर्डर क्या होता है और इसके बाद उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि प्लेट गर्डर क्या होता है, तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम प्लेट गर्डर का डायग्राम है जिसमें ये फ्लेंज सेक्शन है मरून कलर की, ऊपर भी फ्लेंज सेक्शन है मरून कलर का और ये आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये वेब ऑफ द प्लेट गर्डर होता है। इसमें जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है वो एंगल सेक्शन है जो कि आपके हैवी लोडिंग्स को कैरी करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से बिल्टअप सेक्शन की तरह ही ये होता है बट उससे बेटर होता है। तो प्लेट गर्डर की जरूरत हमको तब महसूस होती है जब आने वाला लोड बहुत ज़्यादा हो या फिर हमारे जो स्पैन है, हमारी जो लंबाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन दो केसेस में जब बीम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और जब आने वाला लोड काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस केस में प्लेट गर्डर हमारा बेस्ट सुटेड होता है लोड को कैरी करने के लिए। अगर इस स्थिति में हम आई सेक्शन या बिल्टअप सेक्शन का यूज़ करेंगे जो कि हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़े भी थे, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल या ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लोडिंग को या बहुत ही लंबे स्पैन तक एक्सटेंड करने के लिए फिजिबल नहीं होते हैं। जनरली अगर मैं बिल्टअप सेक्शन की बात करूँ तो बिल्टअप सेक्शन 15 से 20 मीटर तक की लेंथ तक के लिए अवेलेबल होता है और एफिशिएंट भी होता है। आप वहाँ पर इसका यूज़ करोगे अगर तो आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकल होगा और एफिशिएंट भी होगा। लेकिन अगर प्लेट गर्डर की बात करें तो प्लेट गर्डर लगभग 100 मीटर की लंबाई तक बहुत ही ब्रिलियंटली काम करता है, यानी कि हमारे लिए एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये कि अगर एक बार हम प्लेट गर्डर को कास्ट कर लेते हैं तो 100 मीटर तक की लंबाई तक की झंझट हमें नहीं होती है और साथ ही साथ में ये हैवी लोडिंग को भी सहने में सक्षम होता है। अगर हम प्लेट गर्डर की डेप्थ की बात करें तो अगर प्लेट गर्डर की डेप्थ 75 सेंटीमीटर तक है, यानी कि 75 सेंटीमीटर या उससे कम है, तो ऐसे प्लेट गर्डर को हम शैलो प्लेट गर्डर कहते हैं और अगर उसकी डेप्थ 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ऐसे प्लेट गर्डर को हम लोग डीप प्लेट गर्डर कहते हैं। कभी कभी डेटाबेस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे अब इस स्लाइड में हमने जो भी पढ़ा है इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है वो तो बनता है कि कितनी लंबाई तक प्लेट गर्डर वर्क करता है और दूसरा कि उसका कैटेगराइजेशन कि 75 सेंटीमीटर से कम है तो शैलो प्लेट गर्डर और 75 से ज़्यादा है तो डीप प्लेट गर्डर। अगर हम बात करें प्लेट गर्डर के कंपोनेंट्स की तो हमारे सामने चार यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फ्लेंज प्लेट, वेब प्लेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टिफनर्स एंड वेब एंड फ्लेंज स्पाइसेस, जिनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना भी है। ठीक है, तो इन चार कंपोनेंट्स से मिलकर के हमारा प्लेट गर्डर का फॉर्मेशन होता है और बहुत ही ब्रिलियंटली ये अपने डिफरेंट वर्क्स को कैरी ऑन करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ सबसे पहले फ्लेंज प्लेट की, तो यहाँ जो आपको ये मरून पोर्शन दिख रहा है इस मरून पोर्शन को हम बोलते हैं फ्लेंज प्लेट। ठीक है, ये फ्लेंज प्लेट वेब के बॉटम और टॉप दोनों हिस्सों पर कनेक्ट किया जाता है और ये मेनली शियर और बेंडिंग एक्शंस को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शियर और बेंडिंग एक्शंस को ये बहुत ही प्रॉपरली कैरी कर देता है। आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपने कैंटिलीवर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ओवरहैंग सेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा ओवरहैंग सेक्शन होता है फ्लेंज प्लेट का वो गेज लाइन से 16 फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओवरहैंग कर जाएगा तो वहाँ पे हमारे स्ट्रेंथ रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि कभी भी जो ओवरहैंग सेक्शन होता है वो आपके गेज लाइन से 16 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने शेयर और बेंडिंग एक्शंस को बहुत ही प्रॉपरली संभाल सके और जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है वो प्रॉपरली उसको कैरी कर सके। वेब प्लेट की बात करें तो ये वेब प्लेट है आपका, सामने आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, ये वेब प्लेट है। वेब प्लेट की थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर वेब प्लेट की थिकनेस सफिशिएंट नहीं है तो आपको स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिल सकता है और मिलता ही है। अगर आपके वेब प्लेट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसके अंदर वेब बकलिंग, लोकल बकलिंग और वेब क्रिपलिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टील के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वेब प्लेट जो होता है उसकी थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनमें से वेब बकलिंग, लोकल बकलिंग और वेब क्रिपलिंग सबसे मेन है। तो ये शुरू के दो कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद जो कंपोनेंट आता है उसको हम बोलते हैं स्टिफनर। ठीक है, एक डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आपका एक 3D डायग्राम है जिसमें ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका फ्लेंज प्लेट है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये आपका क्या है, वेब प्लेट है, और अंदर ये जो आपको एंगल सेक्शन देखने को मिल रहे हैं ये सारे स्टिफनर्स हैं जिनका काम आपके प्लेट गटर की एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। ठीक है,
तो मेनली जो स्टिफनर प्रोवाइड किए जाते हैं वो वेब पर प्रोवाइड किए जाते हैं और वह उसके लैटरल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ में यह उसके वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग होने के चांसेस को भी रिड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो जितने भी नेगेटिव पैरामीटर हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही साथ में अगर आपके प्लेट गर्डर के ऊपर हैवी कंसंट्रेटेड लोड आता है तो यह वेब क्रशिंग के भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकता है। यानी कि एक दिन से कई निशाने देखने को मिलते हैं कि अगर आपने प्रॉपरली स्टिफनेस का यूज किया है तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात छिड़िए स्टिफनेस की। स्टिफनेस यानी कि स्टिफ बनाने वाला, ज्यादा मजबूती देने वाला। ठीक है, तो अब कौन कौन से स्टिफनेस हम यूज करते हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है एंड स्टिफनेस, यानी कि किनारों पर देने वाले स्टिफनेस। जैसे आपके सामने डायग्राम है, यहाँ जो स्टिफनेस दिया जाएगा इसको हम बोलेंगे एंड स्टिफनेस। क्यों? क्योंकि ये एंड पर है, नियर द सपोर्ट है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कंप्रेसिव, अगर बहुत ज्यादा कंप्रेसिव लोडिंग आ रही है तो उसकी वजह से जो क्रशिंग पैदा होता है उस क्रशिंग को प्रिवेंट करना। साथ ही साथ में ये लोड को, जो भी भार आ रहा है, जो भी अपकमिंग लोड है, उसको ट्रांसफर करने में भी काफी हेल्प करता है। कि आपको पता है कि किसी भी गर्डर में, किसी बीम में जो कॉर्नर का पोर्शन होता है वो लोड को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंड स्टिफनेस जो कि किनारों पर प्रोवाइड किए जाते हैं, इसका मेन काम कंप्रेसिव लोडिंग की वजह से होने वाले क्रशिंग के चांसेस को रिड्यूस करना है, साथ ही साथ में अपकमिंग लोड का बेटर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर भी इंश्योर करना होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर। अगर मैं इंटरमीडिएट स्टिफनर की बात करूं, इंटरमीडिएट मतलब क्या? बीच में प्रयोग होने वाला, तो उसी के नाम पे हो गया। दीज आर प्रोवाइडेड एट द मिडिल पोर्शन ऑफ द वेब, यानी कि ये वेब के मिडिल पोर्शन पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको हम लोग नॉन बेयरिंग या स्टेबिलिटी स्टिफनर भी कहते हैं, क्योंकि ये बेयरिंग करने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं बल्कि आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन डायगोनल कंप्रेशन की वजह से पैदा होने वाले बकलिंग के चांसेस को रिड्यूस करना है, उसको काउंटर करना होता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका जो दूसरा नाम है वो पूछ सकता है। साथ ही साथ में इसका मेन काम क्या है इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि डायगोनल कंप्रेशन की वजह से पैदा होने वाले बकलिंग के चांस को रिड्यूस करना। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेयरिंग स्टिफनर्स। नाम में ही क्लियर है कि यह बेयरिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बेयरिंग करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके प्लेट के ऊपर हैवी कंसंट्रेटेड लोड आता है, बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का लोड किसी सिंगल पॉइंट पर आ जा रहा है या फिर एंड रिएक्शन वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, इन दैट केस बेयरिंग स्टिफनर आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ में यह वेब को क्रशिंग और साइड में यानी किनारों की तरफ बकल होने से भी रोकता है अगर उसके ऊपर हाईली कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है। यानी कि ये एक ऐसे काइंड ऑफ स्टिफनर होते हैं जो कि कंसंट्रेटेड लोड की वजह से आपके अनस्टेबिलिटी, क्रशिंग और बकलिंग साइडवे को प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी कि बेयरिंग स्टिफनर आपके कंसंट्रेटेड लोड की तुलना में बहुत ही ज्यादा या कंसंट्रेटेड लोड की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होता है। इस पर नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? अलोंग द लेंथ। तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होगा वो आपके फ्लेंज प्लेट के पहले दिए जाएगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आप फ्लेंज प्लेट के ये पैलर है तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहते हैं या फिर इसको सिंपली हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी कह सकते हैं। और अगर आप वेब में प्रॉपरली स्पेसिंग पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हो तो ये आपके वेब की बकलिंग स्ट्रेंथ को काफी हद तक इंक्रीज कर देती है, आसानी से आपका वेब बकल नहीं करता है अगर वो पतला है तो भी। और लास्ट आता है आपका वर्टिकल स्टिफनर, जैसे आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर था उसी की तरह है ये। ठीक है, ये आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया जाता है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स स्टिफनर भी कहते हैं। ये एक्सेसिव डिफ्लेक्शन के चांसेस को प्रिवेंट करता है। मान लीजिए कि ऊपर यूडीएल लग रहा है, अब यूडीएल की वजह से ये फ्लेंज प्लेट आपका बेंड कर सकता है, इस बेंडिंग के चांस को रिड्यूस करना वर्टिकल स्टिफनर का काम होता है। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होने देता है, फ्लेक्सर के चांसेस को कंट्रोल रखता है। तो ये आपके 5 तरह के स्टिफनर होते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। अब कौन सा स्टिफनर का प्रयोग करते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन 85 हो तो हमें किसी तरह के स्टिफनर का यूज करने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है यहाँ पे डी क्या है या टी डब्ल्यू क्या है। तो टी डब्ल्यू मतलब थिकनेस ऑफ दी वेब प्लेट, और डी की बात करें तो दोनों फ्लेंज के बीच का जो क्लियर स्पैन होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी।
जब डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 85 से कम होती है तो वहां पे हमें किसी भी तरह का स्ट्रिक्चर देने की जरूरत नहीं होती है। जब डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 200 और 85 के बीच में होती है तो हमें केवल वर्टिकल स्ट्रिक्चर देने की आवश्यकता होती है। अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 200 से ज्यादा है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रिक्चर देने की जरूरत होती है, और अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 250 से भी ज्यादा हो गई इन दैट केस हमको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और साथ ही साथ में न्यूट्रल एक्सिस पर भी एक स्ट्रिक्चर की जरूरत हमको महसूस होती है। नॉर्मली जो हम लोग स्ट्रिक्चर वर्ड यूज कर रहे हैं वो एंगल सेक्शंस हैं, और इन एंगल सेक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रयोग करके अपने प्लेट गर्डर की स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसके चांसेस ऑफ फेलियर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इसके बाद ये लास्ट स्लाइड आगे कुछ स्टैटिकल पॉइंट्स को कवर करती है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि प्लेट गर्डर का सेल्फ वेट क्या होता है। तो ये WL अपॉन 300 के बराबर होता है, जहाँ पे L लेंथ है और W आपके प्लेट गर्डर पर आने वाला सुपर इम्पोज लोड है, यानी कि ऊपर आने वाला भार है। डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर की बात करें तो डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर उसकी लंबाई का 1/10 से 1/15 टाइम्स होता है, लेकिन जनरली कैलकुलेशन के लिए हम लोग 1/12 ऑफ स्पैन लेते हैं। स्पैन मतलब क्या कि लंबाई, ठीक है। तो जो डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर होती है वो उसकी लंबाई का 1/10 से 1/15 टाइम्स होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 1/12 लेग बीम मोशन को सॉल्व करते हैं। विड्थ ऑफ द फ्रेंच प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ ऑफ द फ्रेंच प्लेट की बात करूंगा तो वह स्पैन का 1/30 से 1/40 होता है। डेप्थ ऑफ गटर पता है तो उसका 1/3 कर दीजिए, या कुछ नहीं पता है तो कम से कम 60 सेंटीमीटर तो लेंगे ही। तो हमारे पास जैसा डेटा अवेलेबल होगा हम उस तरह से उसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। 1/30 से 1/40 स्पैन का ले लीजिए, चाहे गटर की डेप्थ का 1/3 ले लीजिए, या फिर आप कम से कम 60 सेंटीमीटर चूज कर लीजिए। आपके ऊपर है डेटा कैसा अवेलेबल है उस हिसाब से आप फ्रेश प्लेट की विड्थ को चूज कर सकते हैं। अब अगर वेब प्लेट की बात करें तो उसकी डेप्थ कैसे निकालोगे, तो अगर आपके गर्डर की लंबाई 15 मीटर तक है तो उसकी जो डेप्थ होगी वेब प्लेट की वो स्पैन बाय 12 के बराबर होगी। अगर स्पैन 15 से 30 मीटर तक है तो वेब प्लेट की जो डेप्थ होगी वो स्पैन बाय 10 के बराबर होगी, और अगर उसके ऊपर कंसंट्रेटेड लोड बहुत ज्यादा आ रहा है तो डेप्थ ऑफ द वेब प्लेट आपके स्पैन बाय 8 के बराबर होता है। वेब प्लेट जो हम चूज करते हैं उसकी थिकनेस कम से कम 6 mm रखी जाती है, क्योंकि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता जो कि नहीं है, बट अगर होता तो मिनिमम थिकनेस 5 mm चूज की जाती है। फ्रेंच पर किनारों की तरफ कैम्बर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगर ऊपर से बारिश वगैरह हो रही है तो पानी आसानी से नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो जाए, तो वो कैम्बर की जो वैल्यू होती है वो 1/480 ऑफ क्लियर स्पैन के बराबर होती है। अगर आप प्लेट गर्डर के बारे में इतना पढ़ लेते हो तो आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज मोर देन सफिशियंट। 90% क्वेश्चन यही चाहते हैं, 100% गारंटी कोई नहीं लेता है, मैं भी नहीं लूंगा, कि हमेशा इनोवेशन के चांसेस बने रहते हैं, बट 90% क्वेश्चन आप इस वीडियो से उम्मीद कर सकते हैं। आराम से इसको पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी आप हमसे पूछ सकते हैं।